तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब हमारा जो आज जो है हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन का थ्योरी हम लास्ट जो चैप्टर था ना उसमें भी हमने पढ़ा था, थोड़ा बहुत इस पे बात कर लेना फिर से। अच्छा, ये एटम जो होता है, ये ध्यान रखना, एटम जो होता है ये आपका वर्ड से बन, क्या किससे मिलकर बना हुआ है? ए जोड़ टर्म, ए प्लस टर्म। ए का मतलब होता है नॉट और टर्म का मतलब होता है कट। मतलब एटम जो है ये इतना छोटा है ना कि भाई तुम इसको काट नहीं सकते, और इतना छोटा है कि तुम काट नहीं सकते, इसका मतलब क्या, ये इतना छोटा है कि तुमको दिखाई भी नहीं देगा। क्या तुम्हें एटम दिखाई देगा? हाँ, ये बहुत छोटा है। एटम जो है ये नाम, ये जो एटम नेम है ये किससे मिलकर बना हुआ है? ए प्लस टर्म। ए मतलब होता है नॉट और टर्म का मतलब होता है कट, मतलब एटम को तुम काट नहीं सकते हो, ठीक है। और डाल्टन ने कुछ इसके एटम के बारे में कुछ बताया था। क्या क्या बताया था? ये लास्ट चैप्टर के हम पहले लेक्चर में बात किए थे, एक बार मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। इन्होंने बोला था ऑल एटम्स कंपोज ऑफ टीनी पार्टी, ऑल एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने, और वो छोटे पार्टिकल क्या है? एटम। सारे एलिमेंट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, और वो सारे, वो जो छोटे पार्टिकल है वो क्या है? एटम है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, एटम, उन्होंने बोला था एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। ये तो कॉमन सेंस की बात है, सेम एलिमेंट का एटम सेम रहेगा कि नहीं? और जो अलग अलग एलिमेंट होंगे तो उनका एटम अलग अलग होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ, हाँ, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन फिजिकली मिक्स टुगेदर और केमिकली कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। अरे देखो, जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बन गया, पानी कंपाउंड है ना? यस सर। तो डिफरेंट एटम जो है आपका मिल गया, मतलब अलग अलग एलिमेंट मिलके, अलग अलग एलिमेंट का एटम मिलके एक नया कंपाउंड बनाएगा कि नहीं, बताओ? ठीक है। और फिर ये लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन कांट चेंज एटम्स ऑफ वन टाइप ऑफ एलिमेंट टू अनदर, मतलब एक केमिकल रिएक्शन से किसी पार्टिकुलर जो एटम होगा ना उसको चेंज नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का जो एटम है वो रहेगा, हाइड्रोजन का जो एटम है पहले जो था वही रहेगा। तो ये लास्ट क्लास के जो लास्ट चैप्टर था उसमें हम इसके बारे में, डाल्टन के बारे में बहुत ज्यादा पढ़े हुए थे अच्छे से, ठीक है। तो ये रहा, अच्छा ये एटम जो होता है ये बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका भी जो है ना, इसका भी जो है कुछ पार्टिकल होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या क्या है एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल, बताओ भाई? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये बात आता है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है उसके बारे में कुछ बात करते हैं, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूं, आप ध्यान देना क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन, यहां मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और यहां पे मैं लिख रहा हूं चार्ज, और ये रहा आपका मास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कोई पूछे कितना चार्ज होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है माइनस, हाँ निगेटिव होता है, लेकिन निगेटिव में कितना? तो माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, माइनस 19 कूलम। और जो तुमको पता है ना, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? जीरो। और मास की बात करें, एक सेकंड, अरे शांत रहो, आवाज जी को करने लगेगा श्वेता। अगर मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है
कितना होता है 9.1 ठीक है। और प्रोटॉन के अगर मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। और न्यूट्रॉन का मास क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का मास क्या हो जाएगा भाई सर, सेम रहेगा 1.67। तो ये तुम्हारा क्या रहा, ये मास की बात रही, मास क्या रहा भाई, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, प्रोटॉन का मास इतना और न्यूट्रॉन का। तो देखो कितना आसानी से हमने ये वैल्यू लिख दिया, लेकिन क्या ये इतना आसान है क्या कैलकुलेट करना भाई, साइंटिस्ट को ये वैल्यू निकालने में सालों लग गए। वैल्यू तो निकालना बहुत दूर की बात है, ये इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में ही सालों लग गए। अरे इतना आसान है क्या कि हम चलो मतलब ये है इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहा है मार्केट में, हम गए और ये मतलब एक क्या वेगिंग मतलब मशीन पे कुछ मतलब जो वजन करने वाला किसी मशीन पे हम डाल दिए और वजन करके चले आए, इतना आसान है क्या? नो सर। ये जो तुम चार्ज और जो मास तुम ये इतना आसानी से लिख दिए, इसको फाइंड करने में बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। तो वो सारे जो है ना इसके डिस्कवरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, कैसे प्रोटॉन डिस्कवर हो रहा है, ये सब हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा मास क्या रहा, मास रहा चार्ज। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सब एटॉमिक पार्टिकल। देखो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, प्रोटॉन को हम पी से डिनोट करते हैं और प्रोटॉन पे चार्ज क्या रहता है, प्लस रहता है, तो प्रोटॉन को हम क्या लिखेंगे, P प्लस लिखेंगे ना, यस सर। न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं और इस पे चार्ज क्या रहता है, जीरो। इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट करते हैं और इस पे क्या रहता है, चार्ज माइनस। और एक प्रोटॉन पे तुम पढ़ोगे, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज, प्लस वन, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, माइनस वन, न्यूट्रॉन पे हमेशा जीरो। और मास की बात करें ना, हाँ प्रोटॉन को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, आप प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से, और इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से, ठीक है, कैपिटल रहेगा, अरे स्मॉल ई, इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई, ठीक है सर, प्रोटॉन हाँ स्मॉल, सब स्मॉल से, ठीक है। उसके बाद में जो है ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को तुम ये डिनोट करते हो। अच्छा इसका मास 1 amu, इसका मास 1 amu, और इसका 1/1836 अप्रोक्स जीरो ही मान लो, जीरो मान सकते हैं ना, अप्रोक्स बहुत कम है ना वैल्यू। अरे एमयू समझ रहे हो, एमयू का वैल्यू क्या होगा, एमयू का वैल्यू कुछ नहीं होगा, जो प्रोटॉन का जो मास लिखे है ना, ये जो प्रोटॉन का मास लिखे हैं क्या 1.67, या इसी को हम 1 amu के वैल्यू इसी के बराबर होगा, ठीक है okay, तो प्रोटॉन का मास यहाँ पे लिख दियो ना 1 amu, अगर केजी में बात करोगे तो क्या लिखोगे, 1.67 इंटू 10 की पावर 13 कंफ्यूज मत हो, देखो अगर तुम ऐसे ध्यान रख सकते हो क्या कि यहाँ 7 है तो यहाँ 7 है, कंफ्यूज में नहीं होना है, ठीक है। अरे देखो ना यहाँ पे 7 था लास्ट में, तो यहाँ भी लास्ट में 7 नहीं हो जाएगा, यस सर। और इसको तुम मास इलेक्ट्रॉन का मास तुम ऐसे ध्यान रखना, देखो यहाँ 9 और 1 है तो यहाँ उसी का रूट है, देखो 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है, और 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, तो देखो ये उसी का रूट है, अरे उसी का रूट है कि नहीं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 9.1 जो है ना उसी का रूट इसके पावर में चला गया है और माइनस में ही रहेगा, माइनस में नहीं, तुम कभी भी प्लस में मत कर देना, क्यों, क्योंकि भाई ये लोग इतने छोटे होते दिखाई भी नहीं देते, ऐसा मत कर देना 9.1 इंटू 10 की पावर +31, गड़बड़ हो जाएगा, हमेशा पावर क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, क्यों, क्योंकि भाई ये लोग इतने छोटे की दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुम प्लस में कैसे मास रखती है, अरे आ रहा समझ में, ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है, ये चार्ज और मास का वैल्यू आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अब इसको इसके आगे बढ़ते हैं और इसका डिस्कवरी पढ़ते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है।
कैसे इसकी खोज हुई? अरे डिस्कवरी इन्वेंशन में अंतर पता है तुम्हें? ये देखो ये एनसीईआरटी पता है ना, डिस्कवरी क्या होता है? कौन बताए? डिस्कवरी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी है। अच्छा हंसिका तुम बताओ तो क्या होगा डिस्कवरी का मतलब क्या होगा? सर डिस्कवरी किसी चीज की खोज करना, और सर इन्वेंशन जो पहले से नए बनाई हो, बनाना मतलब। हाँ इन्वेंशन का मतलब होता है जो नया चीज, जैसे मोबाइल का क्या होगा इन्वेंशन होगा, और डिस्कवरी वो चीज पहले से है और तुम उसको बता रहे हो। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या पहले इलेक्ट्रॉन नहीं था क्या? पहले एटम नहीं था क्या? एटम तो पहले भाई बिना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के तो कैसे, मतलब एटम ही नहीं बनेगा, और एटम नहीं रहेगा तो कोई भी चीज नहीं रहेगा, क्योंकि एटम क्या है? अरे एटम से ही मिलके तो एलिमेंट बना है ना, सबसे छोटा पार्टिकल। ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या हुआ था? डिस्कवरी हुआ है। अरे ये जो मैंने ऊपर लिखा यही आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन का क्या सिंबल देखो, जो एक बच्चा पूछा था सर स्मॉल होगा कैपिटल होगा, देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्मॉल दिया हुआ है। यस सर। ठीक है तो कौन पूछ रहा था, नाम क्या था? ओमन। आप पूछ रहे थे तो उसको स्मॉल से डिनोट कर दिए ना, और देखो सबका चार्ज ये हमने लिख ही दिया यहाँ पे दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है और रिलेटिव चार्ज की बात करोगे तो माइनस वन और प्लस वन। अरे ये माइनस और प्लस वन क्या है? रिलेटिव है। देखो इसके रेस्पेक्ट में देखो ये क्या है, जितना ये है उतना ही ये है कि नहीं? सेम सेम है ना। तो अगर हम रिलेटिव में बात करेंगे इसके कंपेयर में ये क्या है, इसके माइनस वन, और इसके कंपेयर में ये देखोगे तो ये प्लस वन होगा कि नहीं? यस सर। तो ये माइनस प्लस वन, माइनस और मतलब वन और जो देखो एब्सोल्यूट जो चार्ज है ना ये है जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये क्या है एब्सोल्यूट चार्ज है, मतलब एग्जैक्ट चार्ज कोई पूछे तो ये है। लेकिन रिलेटिव चार्ज पूछेगा ना तो तुम प्लस वन माइनस वन के कंपेयर में तुम बता देना। ठीक है अरे यस सर। और ये मास हमने यहाँ पे उसके बाद में क्या है एमयू में, मगर मास बात करोगे तो ये जीरो वन वन, एमयू को ही यू भी बोलते हैं, एमयू इक्वल टू यू। बोलो भाई। सर अगर कोई रिलेटिव चार्ज पूछेगा तो हम माइनस वन या प्लस वन या जीरो करेंगे ना? हाँ हाँ। और एग्जैक्ट एब्सोल्यूट का मतलब था एग्जैक्ट वैल्यू, ये रहा। अरे रिलेटिव मतलब समझ रहे हो, रिलेटिव मोशन नहीं पढ़े हो? अरे रिलेटिव मोशन, अरे एक मान लो एक ये तुम्हारा गाड़ी है और एक और ये ट्रेन है, अगर इस पे कोई आदमी बैठा हुआ है और ये ट्रेन चल रहा है मान लो 40 के किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक और दूसरा ट्रेन है ये चल रहा है 41 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब इस आदमी को क्या लगेगा ये एक की स्पीड से चल रहा है कि नहीं? Yes, अरे रिलेटिव मोशन नहीं बोलते थे? Yes, sir. इसी तरह ये रिलेटिव चार्ज हुआ, रिलेटिव चार्ज ये माइनस वन है तो ये क्या होगा प्लस वन इसके कंपेयर में, और एब्सोल्यूट चार्ज ये रहा। बोलो भाई कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। आते हैं इसके डिस्कवरी पे आते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, कोई कौन बता सकता है इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी कैसे हुआ था? हैंड रेज करें, नैंसी बता सकती है, कौन बता सकता है हैंड रेज करो। देखो ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से करना है, अनन्या बता सकती है, कविता और हंसिका आप बता सकते हो क्या? थोड़ा बहुत पता है सर, ये डिस्चार्ज ट्यूब में होता है। हाँ हाँ डिस्चार्ज ट्यूब में होता है, कैसे होता है सर? इसमें ना हाई वोल्टेज और वैक्यूम के अंदर हम भूल रहे हो, नहीं भूल रहे हो ना? अरे बोलो। यस सर। चलो कोई नहीं। अच्छा ये कौन बहुत अच्छे से, जिसको लग रहा है कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है वो हैंड रेज करे। कविता आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो? यस सर। बताओ कैसे हुआ सर? इलेक्ट्रॉन के पहले तो डेविड थॉमसन सर ने किया था, और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर आल्सो नोन एज अ वाटरमेलन डिस्कवरी। तो वाटरमेलन की जैसे उसमें बीज, वो तो वाटरमेलन अब बहुत आगे चल गए, मैं डिस्कवरी की बात कर रहा हूँ, कैसे खोज हुई थी
उसकी बात नहीं नहीं ऐसे नहीं, वाटर में जाना बहुत आगे चले गए, उसके बारे में पढ़ेंगे पढ़ेंगे। और कोई और दूसरा बच्चा नहीं? अरे एनसीईआरटी था कभी ने डिस्कवर किया था। चलो ये मैं बता देता हूँ, ठीक है, देखो कैसे ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा लगेगा, स्टोरी की तरह डिस्कवरी वगैरह है ना, ये तुमको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जे जे थॉमसन। कब की थी? 1897। क्या उस समय तक प्रोटॉन डिस्कवर हो गया था? पहले ये बताओ। नो सर। नो सर। किया था सर, हो गया था। प्रोटॉन का डिस्कवर कब हुआ था ये बताओ सर? 1886। तो 86 पहले आता है या बाद में आता है कि तुम नो बोल रहे हो? सर पहले आता है, हो गया था बोल रहे हो भाई। प्रोटॉन का डिस्कवरी 1886 में, प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया था, ठीक है। किसने किया था प्रोटॉन का डिस्कवरी? सर गोल्डस्टीन। हाँ गोल्डस्टीन, हाँ सही बोले। अरे मैंने एक शायद ये तुम लोग क्लास में मैंने बताया था कि नहीं, एक ट्रिक yes, सर बताया था, बताया था ना? यस सर। ऐसे करके बताया था ना, द गोपचंद, ऐसे बताया था ना। एन फॉर न्यूट्रॉन था, यस सर। और सी फॉर क्या था? चैडविक। चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। फिर पी फॉर क्या था? प्रोटॉन था। और ई फॉर इलेक्ट्रॉन था, यही था ना? यस सर। जी फॉर क्या हो जाएगा? गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टाइन। और टी फॉर थॉमसन। थॉमसन ये बताया थे ना, तो बताओ इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था? थॉमसन ने, ठीक है। और कब किया था? 1897। और इसका डिस्कवरी हुआ था 1886। और इसका डिस्कवरी हुआ था 1932। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी बहुत बाद में हुआ था, तो ये ट्रिक करके मैंने बताया था। तो गोपचंद करके बताना है। एन फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी चैडविक ने किया था। पी फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने किया था। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने किया था। अब ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था उससे पहले ही प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया था? yes, yes. प्रोटॉन का उससे पहले हो गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कैसे डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन का? तो एक कैथोड रे ट्यूब में डिस्कवरी हुआ है, ठीक है। तो कैसे हुआ है, अब इस पे आते हैं। सर उसे कैनाल रे भी कहते हैं ना? क्या? कैनाल रे भी कहते हैं ना, कैथोड रे, ठीक है। इधर देखना, ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये तुमको देख रहे हो एक वैक्यूम पंप लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वैक्यूम पंप। तो देखो ये जो तुम्हारा है ना, ये क्या है भाई? एक ग्लास ट्यूब है। क्या है? अरे ग्लास का एक ट्यूब है, ठीक है। और ये वैक्यूम पंप क्या करेगा? अच्छा ये देखो, स्टार्टिंग में ग्लास के अंदर कोई ना कोई गैस होगा, तो क्या होगा? गैस है ना, लेकिन वैक्यूम पंप क्या करेगा? उस गैस को निकालेगा। और अरे देखो, गैस निकाल देगा तो क्या हो जाएगा? अंदर वैक्यूम बनेगा कि नहीं? थोड़ा प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा ये बताओ? कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक आपने वैक्यूम पंप लिया, और इससे क्या किया आपने? आपने क्या किया? इसमें लो प्रेशर अंदर आपने क्रिएट किया, ठीक है। अरे ये जो तुम्हारा एक टर्मिनल दिख रहा है, इसका मतलब समझते हो? कौन माइनस है, कौन प्लस है, ये बताओ। छोटा वाला माइनस है, बड़ा वाला नेगेटिव है, बड़े वाला पॉजिटिव है। हाँ ये आपको पता है ना, छोटे वाला जो है आपका क्या है? निगेटिव है, negative. और बड़ा वाला पॉजिटिव। तो ये रहा निगेटिव और ये रहा पॉजिटिव। अच्छा ये निगेटिव से एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है, तो जो इलेक्ट्रोड निगेटिव से जुड़ा रहता है उसे क्या बोलते हैं? कैथोड या एनोड? सर कैथोड। का रहा कैथोड। और ये अगर पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या रहा? एनोड रहा, ठीक है भाई। और अंदर क्या है? लो प्रेशर गैस है, कोई लो प्रेशर गैस आपका है। अब ये बताओ, यहाँ पे ये जो है हाई वोल्टेज तुम दिए, हाई वोल्टेज तुम जब दे रहे हो, और यहाँ पे एक आप क्या लगा दिया? एमीटर लगा दिया। एमीटर पता है ना, करंट को मेजर करता है। yes, sir.
अब बताओ क्या ये एमीटर में करंट आपको दिखेगा, डिफ्लेक्शन होगा इसके नीडल में, बताओ? अरे यस या नो बताओ भाई। अब क्वेश्चन रिपीट कर दे। देखो मैंने बोला कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड हो गया, इसको मैंने कैथोड बोला, यहाँ एक इलेक्ट्रोड हो गया, इसको मैंने एनोड बोला। क्यों कैथोड इसको बोला? क्योंकि ये देखो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। क्यों इसको एथोड एनोड बोला? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक एमीटर लगा दिया, मान लो यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, तुमको अभी आसान भाषा में समझा रहे हैं, चलो एक बल्ब लगा दिया। अब तुम बताओ क्या ये बल्ब जलेगा? यहाँ पे यहाँ से तुम हाई वोल्टेज दे रहे हो, बहुत ज्यादा वोल्टेज दे रहे हो, क्या ये बल्ब जलेगा? यस या नो? अरे अच्छा ये नो किस यस कौन कौन बोल रहा है? क्यों जलेगा भाई बल्ब? अच्छा ये बता, ये बताना एक सेकंड, ये बताना एक तुम्हारे यहाँ पे बल्ब है, एक बल्ब है और यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है बैटरी है, तो ये बल्ब का एक तार हम यहाँ पे ला के जोड़ दे और एक यहाँ पे छोड़ दे, क्या ये बल्ब जल जाएगा क्या? नो सर। सर्किट इनकम्प्लीट है कि नहीं? यहाँ पे तुम्हारा ये रुक गया, यहाँ पे रुक गया, आइए ये तार जुड़ा हुआ है क्या? नो सर। तार तो जुड़ा ही नहीं हुआ है, तो बल्ब फिर जलेगा कैसे? अरे बल्ब तो तब जलता ना कि एक तार यहाँ से लाते और यहाँ पे इसको जोड़ देते, बल्ब तब जलेगा जब सर्किट कंप्लीट हो, एक गोला बने, अरे है कि नहीं? यस सर। बल्ब जलेगा क्या ये? अगर मान लो यहाँ पे ये तार तुम नहीं जोड़े हो, क्या बल्ब जलेगा? यस या नो? नो सर। तो सब सोच रहे थे बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन क्या हुआ, ये बल्ब जल गया भाई, तो बहुत गड़बड़ बात हो गया ना, सर्किट कंप्लीट ही नहीं है और बल्ब जल रहा है, मतलब समझ रहे हो इसका मतलब क्या हो गया? एक बैटरी यहाँ पे मान लो ऐसे है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मैं एक तार यहाँ पे लाया और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब है, और यहाँ पे जोड़ दिया, और दूसरा तार मैं क्या किया, यहाँ से निकाला और यहीं पे छोड़ दिया, फिर भी बल्ब जल रहा है, तो बड़ा मतलब अजीब सा नहीं लगेगा तुम्हें? अजीब लगेगा ना, क्योंकि उस समय कब की बात कर रहे हैं? क्या बोले आप श्वेता सर? उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। एक सेकंड, ये आप देखो जब डिस्कवरी पढ़ते हैं ना, तो तुम माइंड में तुम ले चलो उस समय, मतलब तुम अपने दिमाग को 1870 में ले चलो। देखो कभी भी डिस्कवरी पढ़ते हैं ना, तो आप अपने दिमाग को वहीं पे ले जाओ, मतलब समझ रहे, वहीं पे ले जाने का मतलब क्या, अभी पता ही नहीं है लोगों को इलेक्ट्रॉन क्या है। yes, अभी के रिस्पेक्ट में तुम बात करोगे तो फिर तो मामला गड़बड़ खत्म, तुमको मतलब बोरिंग लगेगा। तुम अपने आप को उस टाइम में ले जाओ जिस टाइम पे इलेक्ट्रॉन दुनिया में, मतलब लोगों को पता ही नहीं था इलेक्ट्रॉन है, तो सोचो उस समय के लोगों को बड़ा अजीब लगेगा कि भाई सर्किट एक लगाए और ये बल्ब जल रहा है, अजीब लगे कि इसका मतलब कोई रहस्यमय शक्ति है जो, क्योंकि साइंस कहता है जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तब तक बल्ब जलेगा ना, साइंस क्या बोलता है, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। यस सर। साइंस कहता है कि सर्किट कंप्लीट होगा तभी बल्ब जलेगा, और ये बल्ब जल रहा है, तो कोई ना कोई क्या है भाई, यहाँ पे कोई भूत है क्या? अरे कोई ना कोई घोस्ट है ना? हाँ, ये घोस्ट है जो कि उस समय के लोगों क्या लगे कि भाई एक भूत है जो कि सर्किट कंप्लीट कर रहा है, और वो ऐसा भूत है वो दिखाई नहीं दे रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है क्या, पहले ही बताओ? दिखाई भी नहीं दे रहा है, ऐसा घोस्ट दिखाई भी नहीं दे रहा है, और ये सर्किट कंप्लीट कर दे रहा है, बल्ब जला दे रहा है। तो एक काम करते हैं, अब साइंटिस्ट तो रुकेंगे नहीं, अब दिमाग लगेगा ना, अच्छा ये जो है दिखाई नहीं दे रहा है,
एक जुगाड़ करते, कुछ ना कुछ किया जाए जिससे क्या हो जाए ये दिखने लगे, ये जो भूत है क्या हो, अरे दिखाई दे। तो अब दिखने के लिए क्या करना होगा? अच्छा तुम ये मूवी वगैरह में देखते होगे, कोई मतलब मूवी में दिखाता है कि भूत ऐसे नहीं दिखता है, या कार्टून वगैरह में, लेकिन आईना में दिखता है। यस सर, यूजुअली कार्टून वगैरह में होते हैं कि एक जैसे भूतिया कहानी कुछ होते हैं ना, भूत की कहानी, ये कहानी वह कहानी, उसमें होता है कि एक भूत है वो दिखाई ऐसे नहीं दे रही है, लेकिन जब आईना में जाती है तो वो भूत दिखाई देती है। फिर लोग ऐसा होता है, फिर गांव के लोग आईना लेके चलते हैं और फिर आईना में देखते हैं कि हाँ एक चुड़ैल दिख रही है। अरे होता है तो जैसे भूत कहाँ दिख रहा है, आईना में दिख रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ये नहीं दिख रहा था, ये जो भूत है ये नहीं दिख रहा है, अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, आईना लेके पहुंचे क्या? आईना लेके नहीं पहुंचेंगे, हम कुछ और लेके चलेंगे। ये ऐसा भूत है ना, ये आईना में नहीं दिखेगा, एक इसको क्या चाहिए, एक स्क्रीन दे दो। ये क्या, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, मान लो जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन यहाँ पे हमने ये लगा दिया। अब ये देखो, ये स्क्रीन मैंने लगाया और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक होल कर दिया, यहाँ पे एक होल कर दिया, ठीक है। इस होल से होगा क्या, तो अब देखना, तुमको पता है कि भाई कोई ना कोई अदृश्य शक्ति तो है यहाँ पे, है कि नहीं? अब सोच, अच्छा ये अदृश्य शक्ति है, यहां से निकल रहा था और यहाँ पे जा रहा था, ऐसे जा रहा था और ऐसे जाके यहाँ से ये वापस यहाँ पे आ रहा था, यही हो रहा था ना? Yes, sir. हमने क्या किया, यहाँ पे एक होल कर, यहाँ पे होल कर देंगे तो ये अदृश्य शक्ति यहाँ से पास कर जाएगा कि नहीं? अरे पास, और पास करेगा। और पीछे मैंने क्या लगा दिया, एक स्क्रीन लगा दिया है, वही आईना बोलो, और यहाँ पे हम किस क्या बोलेंगे, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया। ये स्क्रीन का क्या होता है, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो होता है ना, इसपे अगर ये जो अदृश्य शक्ति है ये जाके इस पर टक्कर खाएगा ना, तो ये चमकने लगेगा बल्ब की तरह, क्या होगा, ग्लो होने लगेगा। तो हमें पता, एक बार रिपीट कर दो, नहीं समझ आया। एक मतलब अब ये दिख नहीं रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा है, तो इसको हम देखने के लिए क्या किए, हम यहाँ पे इसके पीछे जो ग्लास ट्यूब है ना, इसपे एक लेयरिंग, एक लेयर चढ़ा दिए, फ्लोरोसेंट स्क्रीन बना दिए उसको। किस चीज का लेयर चढ़ा दिया, जिंक सल्फाइड का। तो वो लेयर जैसे ही चढ़ गया ना, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ पे देखो ये लेयर तक तो तब पहुंचेगा ना जब यहाँ पे एक होल कर दोगे। अगर मान लो ये होल नहीं रहता तो फिर क्या होता, ये तो ऐसे सर्किट में चला जाता, तो हमें एक होल करना होगा कि नहीं? तो यहाँ पे मैंने एक होल किया, इस होल से क्या हुआ भाई, ये इलेक्ट्रॉन पास किया करेगा और ये स्क्रीन पे जाएगा और ये स्क्रीन चमकने लगेगा, यही होगा ना? अरे तो साइंटिस्ट ये पूरा रेडी कर लिए और अब करें, अब आओ आओ चुड़ैल, अब तो मैं तुम्हारी शक्ल देख के रहूंगी, ठीक है। लव ये सेटअप तैयार करके साइंटिस्ट वेट करने लगे, अब किसका मतलब जो चुड़ैल है उसका चेहरा दिखाई देगा ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन मामला फेल, ये चुड़ैल दिखी ही नहीं, ये चुड़ैल स्क्रीन पे कोई चमक नहीं आया, अभी स्क्रीन पे कोई चमक ही नहीं आया, अब तो गड़बड़ हो गया बात। मतलब हम जो सोच रहे थे, एक तीर मतलब एक ये भूतिया शक्ति है जो ऐसे निकल रहा है और स्क्रीन पे आ जाके चमक रहा है, वो तो गड़बड़ हो गया। अरे हो गया कि नहीं? तो अब ये मतलब ये तो गड़बड़ हो गया, तो मतलब क्या साइंटिस्ट यहीं पे हार मान जाएंगे क्या? जैसे देखो एक भूत को कौन कंट्रोल करता है, वो तांत्रिक वगैरह होते हैं ना, हार नहीं मानता है, नहीं ना मानता है, वैसे ही हमारे साइंटिस्ट लोग भी फेल पे फेल होंगे लेकिन हार नहीं मानते हैं। अब वो क्या करेंगे, कहेंगे अच्छा इधर नहीं आया, एक काम करते हैं वो लेयर इधर चढ़ा देते हैं, इधर चढ़ा दिया, वो जो स्क्रीन था ना इधर बना दिया, समझ रहे हो? और स्क्रीन इधर बना दिया और यहाँ पे होल कर दिया, और होल कर दिया और फिर से हाई वोल्टेज यहाँ से प्रोवाइड किया। अब ये और ये अब क्या देख रहा है कि भाई ये जो है ऐसे जा रहा और यहाँ पे चमक दिखने लगा, मतलब क्या हो गया, फ्लोरोसेंट चमकने लगा, समझ रहे हो?
मतलब ये जब स्क्रीन इधर लगाया था तो नहीं चमक रहा था, लेकिन इधर लगाया तो चमकने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो अदृश्य शक्ति है वो ऐसे मूव कर रहा है, इसको ए ऑप्शन दिया, या ऐसे मूव कर रहा है, इसको बी ऑप्शन दिया। तुम बताओ। अरे ए वाले की तरफ हुआ ना? यस सर। क्योंकि अगर ये ऐसे मूव करता, जो भूत है वो ऐसे मूव करता, तो यहाँ भी चमकता, चमकता कि नहीं? यस सर। लेकिन ये ऐसे मूव कर रहा है तभी तो केवल इस साइड चमका, इस साइड नहीं चमका। Yes. यानी कि ये जो है अदृश्य शक्ति है वो कहाँ से निकल रहा है? कैथोड से निकल रहा है कि नहीं? Yes, कैथोड से निकला और निकल के यहाँ पे जाके एक लाइट की तरह चमक रहा है। तो यानी कि वो क्या है तब? उसको हम किस क्या नाम नाम दे? उसको हम नाम दे देंगे कैथोड रे। ये जो निकला लाइट और जो यहाँ पे चमक रहा है, उस भूत का नाम क्या दे दे? क्यों क्यों कैथोड रे नेम दिए? क्योंकि ये कैथोड से निकल रहा है, और कैथोड से निकल रहा है इसलिए। और कैसे पता चला कैथोड से निकला? क्योंकि जब इस साइड ये स्क्रीन लगाए थे तो चमक नहीं रहा था, नहीं रहा चमक गया। तो ये डायरेक्शन तो तुम्हें पता चल गया। अब बताओ, अब हमें पता चल गया डायरेक्शन ही। डायरेक्शन मतलब हमें पता चल गया कि एक भूत है वो, मतलब मान लो क्या है, दिल्ली के मुखर्जी नगर से निकल के जीटीवी नगर तक जा रही है। ये हमें पता चल गया। वो भूत मतलब दिल्ली क्या करती है, मुखर्जी नगर से स्टार्ट करती है और जीटीवी नगर तक जाती है। डायरेक्शन पता चल गया। अब ये भी हम पता करेंगे ना कि भाई वो मेल है या फीमेल है, कुछ भी हो सकता है ना। तो मेल है या फीमेल है, इसका मतलब यहाँ पे जो रे है इसका हम पता करेंगे ये पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। क्या है? अब ये कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। मान लो यहाँ पे हमने क्या दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और यहाँ पे निगेटिव, एक पॉजिटिव यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट लगा दिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा दिए पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। अब तुम बताओ, जो भूत सीधे जा रहा था वो क्या अब डेविएट, ऐसे सीधे जाते जाते इधर डेविएट करेगा कि नहीं बताओ? अरे अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होगा कि नहीं? मतलब बताओ, पॉजिटिव की तरफ ये मुड़ेगा कि नहीं? लोग जो साइंटिस्ट थे वो देख रहे कि भाई ये जो भूत सीधे जा रहा था ना, पॉजिटिव प्लेट रखे ना तो इसके तरफ ये मुड़ने लगा और निगेटिव प्लेट से दूर जा रहा था। निगेटिव से दूर जा रहा है कि नहीं? Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट या लाइक चार्ज अट्रैक्ट? अनलाइक चार्ज। ये तुम्हारा प्लेट पॉजिटिव था तो ये जो भूत था इसका चार्ज निगेटिव होगा कि नहीं? Yes, तो ये चार्ज हमें पता चल गया। क्या पता चला? हमने पता चल गया कि भाई हमने दो दो चीज यहाँ पता चल गया। एक रे निकल रहा है, रे निकल रहा है, वो कैसे पता चला? कि बल्ब जल रहा था, ये बल्ब जल रहा था, एमिटर पे डिफ्लेक्शन हो रहा था, तो उससे एमिटर के डिफ्लेक्शन से पता चला कि एक रे निकल रहा है। रे का डायरेक्शन कैसे पता चला? ये जब तुम फ्लोरेसेंट इसको स्क्रीन लगाए लगाएंगे तब डायरेक्शन बताए। और फिर उसका चार्ज क्या है वो कैसे पता चला? जब एक पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव तुम इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे दे रहे हो। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा अगर मैग्नेटिक फील्ड भी तुम दोगे ना पॉजिटिव, तो भी डिफ्लेक्शन ऐसे ही होगा ना? Yes, sir. तो अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। देखो, हमें दो ही चीज जानना था, एक तो चार्ज हमें पता चल गया कि निगेटिव चार्ज है, डायरेक्शन पता चल गया कि भाई कैथोड से निकल रहा है, और वो जो उस समय हम उसका नाम क्या दिए थे? कैथोड रे दिए थे, और उसी कैथोड रे के बाद में क्या नाम दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, बोलो भाई। यस सर। मैं होगा तो बोलेगा। यस सर। अगर वो नेगेटिव में चला जाता फिर तो वो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं नेगेटिव में चल जाता तो। ओके सर। फिर वो कुछ और होता, उस भूत का कोई और नाम देते, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन था। तुम्हें आज के डेट में तो पता है ना कि सर्किट कंप्लीट होता है तो किसका करंट किसके फ्लो की वजह से होता है?
तो इसका मतलब क्या था, वो तो इलेक्ट्रॉन ही था, तो डिस्कवरी हो गया कि नहीं इलेक्ट्रॉन का? भाई ये डिस्कवरी तुम भी कर सके थे कि नहीं बताओ? सर ये कैथोड से रे निकली थी इसलिए माइनस नो? नहीं कैथोड से निकली इससे हमको नहीं पता चला माइनस है, ये जो यहाँ पे तुम पॉजिटिव ये लगाए ना, यस सर, पॉजिटिव प्लेट लगाए ना और इसके तरफ ये जाके चिपक रहा है ना, इससे हमें पता चला। ठीक है ओके सर, तो बताओ ये एक्सपेरिमेंट ये तो अपोजिट हो गया। हाँ अपोजिट अट्रैक्ट करता है ना, तो बताओ ये तुम भी ये पता कर सकते थे कि नहीं? ये डिस्कवरी तो तुम भी कर सकते थे क्या? ये इस भूत को तुम फाइंड नहीं कर सकते थे? नो सर नहीं कर सकते थे, अब तो कर सकते हो ना, ये तो आसान है ना सर, अब कर लेंगे। अगर इंस्ट्रूमेंट तुमको दे दिया जाए, ये तुम्हारा क्या ये हमारा ट्यूब वगैरह ये बना होना के सारे सेटअप दे दिया जाए तो आराम से दिखा दो, तो बहुत आसान है ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन वाला। पॉजिटिव पैलेट नीचे लगाते और फिर वो नीचे की साइड, तो वो नीचे तो वो नीचे जीवता। अगर मान लो आपका कहना है कि इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ही रहता ना, हाँ तभी भी इलेक्ट्रॉन ही है ना, अरे पॉजिटिव की तरफ ही वो अट्रैक्ट होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ही था। हम उसको अरे देखो भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, होता है क्या भूत प्रेत? तो भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, वो भूत नहीं था, वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही था, आपको लग रहा था भूत। अरे बोलो yes, sir. कितने बच्चे हैं जिनको भूत से डर लगता है? हैंड रेज करो। तो भाई साहब शिवानी है, प्रतिभा है, अनन्या, सोनी, निशा, श्वेता, तो तुम लोग को भूत से डर लगता है? yes, sir. Yes, sir. क्या बच्चे हो यार तुम लोग, इतने ही बच्चों को डर लगता है? नैंसी फियांसे, अरे भूत तो कुछ नहीं होता यार सर, भूत कुछ नहीं होते हैं, वो कुछ नहीं होता। अंशिका आपको भी डर लगता है क्या? नो सर, आपको डर नहीं लगता है? अरे भूत वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है डरने का नहीं सर, कभी कभी लग जाता है अपने घर में डर, अपने ही घर में। तो देख लो जिसको तुम भूत समझ रहे थे वो इलेक्ट्रॉन निकला, अरे तुम भूत समझ रहे थे यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकला कि नहीं? तो वैसे ही पता चला तुम जिसको भूत समझ रहे थे ना वो पता चला कि अरे अरे तुम तो अपना ही चेहरा आईना में देख लिए थे, समझ रहे हो? अरे तुम जिसको बिहार में रहते हो ना, कहाँ पे रहते हो सर? एक बात सर, आप बिहार में रहते हो ना? हाँ हाँ बिहार में रहते हैं सर। आपने कभी जंगल में कुछ नहीं देखा? नहीं नहीं भूत कहाँ होता है भाई, बिहार में भूत होता है क्या? जंगल टाइप होता है ना, तो कभी सर आपने कुछ देखा हो? अच्छा दिल्ली में जंगल नहीं है क्या? है सर। अबे जंगल से नहीं होता, जंगल में जानवर होते हैं, भूत नहीं होता। यस सर। यार तुम लोग भी, अरे तुम लोग कभी कभी रात में ऐसा होता होगा ना अपने चेहरा देख लेते होगे इसलिए तुमको लगता होगा भूत होता है, ठीक है ऐसा कुछ होता नहीं है। आगे बढ़ा जाए, चलो अब ये जो एक्सपेरिमेंट था ना उसके ये कुछ मतलब समरी हम देख रहे हैं, ठीक है? तो देखो ये क्या है समरी, द रिजल्ट ऑफ दिस, ये एनसीईआरटी का ये पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना, एनसीईआरटी का पॉइंट है। तो देखो ये पहला क्या पॉइंट है, द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड एनोड, ये तो तुम्हें पता है ना भाई, रे कहां से निकला? कैथोड से निकला एनोड में पहुंचा, ठीक है। उसके बाद में क्या कर रहा है, दीज रे आर नॉट विजिबल, अरे नॉट विजिबल तो होगा ही, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तुम देख लोगे क्या? नो सर, नॉट विजिबल, लेकिन कहाँ दिखेगा? ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे दिखेगा, या क्या कहोगे, फॉस्फोरोसेंट स्क्रीन पे दिखेगा। अरे दिखा नहीं, ये भूत कहाँ दिख रहा था? फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे दिख रहा था ना, स्क्रीन पे क्या हो रहा है, ये ग्लो करेगा, क्या होगा, ग्लो करेगा। और इसका एग्जांपल क्या है, टेलीविजन, टेलीविजन का पिक्चर ट्यूब्स कैसे है तो आप समझ रहे, टेलीविजन का एग्जांपल। देखो ये तुम्हारा पुराने जमाने का टीवी, ये टीवी किसी के घर में है, किसके घर में है ये वाला टीवी, ये बड़ा वाला, समझ रहे, उस टीवी की बात करें जो पुराना नहीं रहता था, बड़ा सा ऐसे रहता था डब्बा की तरह, पहले था। हाँ पहले, अभी किसी घर में है ये टीवी?
है अजय कुमार। अजय आपका नाम क्या हुआ? अरे अजय आपका नाम क्या हुआ? क्या? अंजलि। अंजलि आपके घर पे है? प्रियांशु के घर पे है, रिंकी के घर पे है। ठीक है, तो ये टीवी तुम ओपन होता होगा तो तुम देखते होगे ऐसा करके, एक पिक्चर ट्यूब ऐसे करके रहता है, ऐसा करके। ये फोटो देखे हो? अरे बोलो, इस तरह का देखे हो? अरे वो जो बड़ा वाला टीवी ओपन होता था तो ऐसा देखे हो? ऐसा करके नहीं देखे हो? यस या नो बोलो। नो सर। अरे कोई कोई बच्चा देखा है कि नहीं? नो सर। कोई भी नहीं दिख रहा है? एलियन हो गया तुम लोग? कहां से, कहां कहां से आती है ऐसी बच्ची? यही है भाई, बताओ यार, कुछ भी तुम लोग नहीं देखे। अरे ये जब टीवी जो होता है ना, इसको ओपन करोगे ना तो ऐसे ही करके रहता है, ऐसे करके एक बड़ा सा रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो इसको क्या बोलो, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब है। क्या है? कैथोड रे ट्यूब। कैसे तुमको ये देखो यहाँ पे मान लो ये तुम्हारा क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। क्या है? स्क्रीन है ना? Yes, और ये स्क्रीन पे क्या है, एक भूत आ रहा है। भूत कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन आके इस पे जब टक्कर खाएगा तो ये स्क्रीन चमकने लगेगा कि नहीं? ग्लो करेगा ना। तो ये स्क्रीन चमक रहा है, तो क्यों चमक रहा है? क्यों चमक रहा है? इलेक्ट्रॉन का इस पे टक्कर हो रहा है। ठीक है, तो यही तुम्हारा जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो था उसका यूज करके टेलीविजन बनाया गया। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। केवल टेलीविजन उसका बनाया गया, जो तुम्हारा पीसी है, एटीएम मशीन नहीं होता है? यस सर। यस सर। उसका स्क्रीन रहता है, वो कैसे चमकता है? वही कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। वीडियो गेम, वीडियो कैमरा, मॉनिटर, सब क्या, क्यों चमकते हैं? कैथोड रे ट्यूब। वही एक्सपेरिमेंट की वजह से। ठीक है, और ये बहुत सारे कलर देंगे, तो टीवी बना लोगे तुम? टेलीविजन बना सकते हो? अरे बना सकते हो? सामान मिल जाएगा तो बना लो। सामान मिल जाएगा तो बना लो। अरे किसी को अब ये दिक्कत हो ये तो, ये पॉइंट तो अभी पॉइंट में पढ़ ले, कोई पॉइंट छूट नहीं रहा। उसके बाद जो है क्या है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं भाई, क्या लिखा हुआ है इन द एप से। अच्छा ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो था, क्या था आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो था, तो उसके प्रेजेंस में क्या लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चल रहा था क्या? नो सर। नो सर। नो सर। उसके प्रेजेंस में लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा था, लेकिन जब उसकी एब्सेंस हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंस हो जाएगा, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। यही लिखा। ये देखो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तुम जब एनसीईआरटी बुक खोलोगे ना तो देखो एक्चुअली एनसीईआरटी के बुक का ही स्क्रीनशॉट है, तो सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई? तो ये देखो, ये एब्सेंस में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में क्या होगा, ये तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा ना? यस सर। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और उनके, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस रहेगा तो क्या स्ट्रेट लाइन में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नो सर। तो ये पढ़ लेना, ये एनसीईआरटी के पॉइंट से हमने ये पढ़ लिया, ये भी हमने देख लिया, ये देख लिया। अब आता है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पिछले वाला किसी को दिक्कत हो तो बताएगा भाई, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या निकालना है तुमको? निकालना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो निकालना है। देखो अब ये तो देखो, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी तो हो गया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ चार्ज होगा ना? yes, चार्ज होगा ना, और उसका कुछ ना कुछ मास होगा। yes, तो उन दोनों का रेशियो क्या होगा ये पता किया। ठीक है, और किसने पता किया? तो फिर से थॉमसन ने, जे जे थॉमसन ने ही इस पे भी काम किया। कैसे पता किया तो देखना, इधर देखना, सेम वही, अब वही एक्सपेरिमेंट किया। देखो यहाँ पे कैथोड, यहाँ एनोड,
देखो ये फोटो तुमको एनसीईआरटी मिल जाएगा, ये फोटो ध्यान से समझना ठीक है, कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ ध्यान से समझना भाई। तुम्हारा ये क्या रहा, कैथोड रहा, और ये क्या रहा, एनोड रहा। अब तुम देखना कैथोड से क्या निकलेगा भाई, इलेक्ट्रॉन। अरे कैथोड रे कहां से निकलता है, कैथोड से ही निकलेगा ना। यस सर, वोल्टेज दिया जाएगा ना, हाई वोल्टेज यहां भी मान लो दे रहा है। तो ये तुम्हारा कैथोड से क्या निकला भाई, इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे एक होल बना हुआ है, होल दिख रहा है सर। यस सर। अब ये कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये होल से पास होते हुए जाएगा, यस यस, जाते ये स्क्रीन पे लगेगा। और ये क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, तो ये बता बल्ब जलने लगे। अरे ग्लो करेगा कि नहीं बताओ। यस सर। यस सर, ग्लो करने लगेगा ठीक है। लेकिन अच्छा ये क्या, ये सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे कि नहीं, कुछ तो एनोड पे एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाएगा ना एनोड पे। यस सर, कुछ एनोड पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन कुछ क्या होगा, कुछ तो पास कर जाएंगे। यस सर। क्यों पास किए, क्योंकि होल है ना वहां पे। यस सर। तो ये स्ट्रेट लाइन में पास कर रहा था, लेकिन यहाँ पे तुम अगर रख दिए पॉजिटिव और यहाँ पे रख दिया आप निगेटिव। अब ये बताओ ऊपर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे क्या है, निगेटिव टर्मिनल। और ये कैसे बना हुआ, मान लो यहाँ पे एक बैटरी से ये जोड़ दियो, ऐसे मान लो एक बड़ा सा बैटरी है, ये पॉजिटिव नहीं हो जाएगा और ये निगेटिव नहीं हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो था सीधा जा रहा था, क्या अब ये सीधा जाएगा क्या? नो सर। जो पहले बी पे जा रहा था, मतलब मान लो पहले बी पे जा रहा था, तो अब क्या जाएगा, अब ए पे चला गया, अब ए पे चला गया। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये क्या हो गया, ये ऊपर चला गया। अब हम ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंटर करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे। क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड आप लाओगे। अब ये बताओ अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी डिफ्लेक्शन हो रहा था कि नहीं। यस सर। हम ये रखेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर, इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ खींच रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से रखना है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, एक मैग्नेट है, ये क्या है, एक मैग्नेट है, क्या है, मैग्नेट है। तो मैग्नेट को इस तरह से रखना है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, क्या करे, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये क्या करेगा, खींचते खींचते क्या करेगा, नीचे लाएगा। अगर मान लो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक, दोनों साइड है ना मैग्नेट, तो नहीं, तो मैग्नेट में क्या, देखो ये एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, और मैग्नेट का डायरेक्शन जो होता है, ये तुम लोग पढ़े होगे 10th क्लास में कुछ, फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ऐसा कुछ पढ़े होगे। उसका एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो मैग्नेट का ऐसे रखना है ना कि उसका डायरेक्शन क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा हो जाए। अरे ठीक है, अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड अगर जीत जाए, क्या, कौन जीत जाए, मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, ये इसको अपने तरफ डिफ्लेक्ट करा देगा, यानी कि ये मान लो यहाँ पे पहुंचा दिया, हो जाए कि नहीं, और यहाँ पे तुम्हारा ग्लो करने लगा, सी हो जाए कि नहीं, बताओ। अरे बोलो। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर ले जाकर ग्लो करा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसको नीचे ग्लो करा रहा है, अगर मतलब जो जीत जा रहा है वो अपने तरफ ले जा रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, जीताएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इस तरह से रखना है कि क्या हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए। मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पावर लगा रहा है ना, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड पावर लगाए। अब बताओ जब दोनों बराबर हो जाएगा तो फिर से वही होगा ना, जहां पे पहले बना था स्ट्रेट लाइन, वही पे बनेगा कि नहीं। स्ट्रेट लाइन पे ही बनेगा, तो क्या स्ट्रेट लाइन पे ही तुम्हारा ग्लो होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया। चलो भाई ठीक है, कैंसिल कर लिया, तो अब क्या होगा, ये कैंसिल कर लिया, तो हम यहाँ से एक्सपेरिमेंट से कुछ यहाँ पे फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले वगैरह लगेंगे, और हम क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसके मास का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। वो डेरिवेशन हमको नहीं पढ़ना है कि कैसे, ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप हमें पढ़ना है कि कैसे क्या किया गया है, डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है।
तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना, ये डेरिवेशन मतलब सेटअप था। और रिजल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज अपॉन मास का रेशियो क्या है, 1.75 × 10⁻¹। क्या हो गया, ये ऊपर चार्ज लिखे हो तो चार्ज क्या होता है, यूनिट कूलम, और मास क्या होता है, केजी, कूलम पर केजी। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज अपॉन मास का रेशियो क्या आया, 1.75 × 10⁻¹ कूलम पर केजी। ठीक है, बोलो भाई। सर डेरिवेशन जो है वो 12th में आएगा क्या, ये नहीं, ये आपके जो यार 11th में पढ़ना है ना, ये तो 11th में ना, ये सेटअप आपको पूछ सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो मैं एनसीईआरटी का ही दिखा रहा हूँ, देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का फोटो है। यस सर। ठीक है, देखो वही फोटो है ना, कैथोड एनोड, देखो जब ये जीत रहा होगा तो ए पे बना, और जब ये जीत रहा है तो सी पे बन रहा है इमेज, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, वही फोटो है। तो अरे बोलो भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ द निगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ग्रेटर इज द इंट्रैक्शन विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब समझे क्या कह रहा है, अगर ये जो चार्ज जो तुम्हारा यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, अरे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जितना ज्यादा इस पे चार्ज होगा ना, जितना ज्यादा चार्ज होगा ना उतना ही ज्यादा इससे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा। फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होंगे तो वो तो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, नीचे भी जाएगा। हाँ, मैं एक की बात कर रहा हूँ, अगर एक रहेगा तब की बात कर रहा हूँ, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है या कोई मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये क्या बोल रहा है, जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ही अट्रैक्शन होगा। ये तो तुम डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से भी समझ लो, एक मान लो एक बड़ा सा चुंबक और एक और दूसरा बड़ा चुंबक, दोनों चुंबक बड़ा बड़ा है तो चार्ज ज्यादा है कि नहीं, यानी कि अरे चार्ज किस पे होता है, चुंबक पे होता है कि लोहा पे होता है, ये बताओ। मैग्नेट पे मान के चलो, मैग्नेट पे क्या है, चार्ज है, तभी वो चुंबक पे है ना। तो दो बड़े चुंबक को जब एक पास ले जाओगे तो बहुत जल्दी से अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, तेजी में अट्रैक्ट होगा। और उसके बीच में कुछ तुम रख दोगे ना तो वो क्या हो जाए, वो क्या हो जाएगा, अरे वो लिक्विड बन जाएगा, अरे वो पूरा, मगर मान लो दो बड़े बड़े चुंबक रहे और उसके बीच में कोई मान लो इंसान को खड़ा कर देगा तो चुंबक इतना तेजी में आके ये होगा कि वो इंसान क्या हो जाए, मर जाएगा, वो पचक जाएगा, चिपटा हो जाएगा। तो यानी क्या समझे, जब जितना ज्यादा चार्ज रहेगा ना, चार्ज अगर ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यस सर, तो यही आपका पहला पॉइंट था। अच्छा ये बताओ, अगर क्या हो जाए, और ये चार्ज की बात रही, अगर मैं मास की बात करता, वजन की बात करता, तो सपोज करो एक एक तुम्हारा छोटा सा चुंबक है और उस पे एक उसके सामने एक बड़ा सा लोहा रख दिया, तो क्या ये लोहा चुंबक में जाके चिपक जाएगा क्या, अगर बड़ा सा लोहा है, नहीं चिपकेगा ना, चार्ज अगर एक बड़ा सा लोहा जाए तो वो नहीं चिपकेगा, लेकिन एक छोटा सा एक वायर रख दो तो वो जाके चिपकेगा, छोटा सा वायर जाके आपका चिपक जाएगा, लेकिन एक बड़ा सा लोहा आयरन नहीं चिपकेगा। इसका मतलब कह सकते हैं ना कि जो डिफ्लेक्शन है वो मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे बोल सकते हैं कि नहीं, जो डिफ्लेक्शन है वो मास के इनवर्सली हुआ कि नहीं, क्योंकि तुम खुद बोल रहे हो ना कि भाई एक बड़ा सा लोहा है तो वो जाके नहीं चिपकेगा, तो यानी कि मास सर, लेकिन मैग्नेट तो जाके चिपक सकती है ना, मैग्नेट चार्ज की बात कर रहे हैं, दो बड़े बड़े मैग्नेट हम बोल रहे थे तो उसमें क्या है, मैग्नेट दोनों चार्ज है ना, दोनों के पास चार्ज है, लेकिन जब एक लोहा लिए तो एक लोहा के पास चार्ज है क्या, मास है, बस मास है। तो यही आपका पॉइंट निकला हुआ है। दूसरा पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या कह रहा था कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड निगेटिव चार्ज का उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन, ठीक है। और दूसरा जो अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है कि लाइटर द मास,
मतलब जितना हल्का रहेगा ना उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। बोलो। यस सर। आया समझ में? और थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का पावर बढ़ा दिया जाए तभी भी डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं? यस सर। ये तो तुम्हें पता है भाई, मान लो ये जो चुंबक लगाए थे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का मतलब क्या है? चुंबक बढ़ाना, पावर बढ़ाना। yes, पावर बढ़ाओगे तो डिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। yes, ठीक है। चलो बताओ यार, तो कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ भाई। तो ये जो एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया चार्ज अपॉन मास का, ये क्या आया? 1.75 × 10^11 कूलम पर केजी। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, मास का यूनिट केजी होता है। कुछ किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। नो सर। नहीं दिक्कत है। थर्ड वाला पॉइंट समझा दोबारा से। अरे थर्ड पॉइंट यही कह रहा था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। भाई ये देखो, ये मैग्नेट, ये अगर मान लो अगर इसका पावर बढ़ा दोगे मैग्नेट का, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो और इसके पास जाएगा कि नहीं? और जाएगा कि नहीं पास? और बहुत ज्यादा अगर मान लो कुछ कोई आदमी बहुत बढ़ा दे तो वो तो ऐसा करेगा कि भाई ये इधर ना जाके ऐसे ही चला जाए, नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। बस वही बात है। yes, तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। नो सर। नो सर। अब आते हैं हम मास जो है इलेक्ट्रॉन का, मास फाइंड करते हैं। देखो चार्ज अभी हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया चार्ज अपॉन मास। चार्ज अपॉन मास है ना, लेकिन अब हमारा टारगेट रहेगा कि भाई क्या फाइंड करो कि तुम क्या निकालो, तुम निकालो केवल मास फाइंड करो। अब बताओ मास कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? अगर हम इसको चार्ज से डिवाइड कर दें, या फिर ऐसे करो, काम करो, चार्ज को अगर E by A, E को अगर E by M से ME से डिवाइड कर देंगे तो E E कट जाएगा, ME नहीं बच जाएगा। yes, तो यानी हम क्या करेंगे, जो मतलब थॉमसन ने लाया था चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो लाया था, उसमें से हम क्या करेंगे, चार्ज को डिवाइड कर देंगे, चार्ज को मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिवाइड कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं आ जाएगा। ये तो थॉम, देखो एक साइंटिस्ट नहीं, नहीं आज आज के लिए इतना ही नहीं यार, आज अटेंडेंस में टाइम लग गया है, आज थोड़ा क्लास थोड़ा एक्सटेंड होगा, ठीक है, इससे सिलेबस पीछे हो जाएगा ना। अरे बोरिंग लग रहा होगा तो बताना दोबारा, तो अच्छा लग रहा है ना तो फिर पढ़ो तो सही। अरे बैटरी लो हो रहा है तो मोबाइल को बैटरी क्या करो, कनेक्ट करके रखो। आज ये स्टार्टिंग में क्या हो गया ना, स्टार्टिंग में आप कल से लास्ट में अटेंडेंस लेंगे यार, अटेंडेंस लास्ट में लेंगे, अटेंडेंस स्टार्टिंग में लेने से दिक्कत हो जाएगा। देखो ये क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन के चार्ज अपॉन मास का रेशियो तुमको पता चल गया। अरे पता चल गया? यस सर। अगर उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज चार्ज से डिवाइड करते तो ई तुम्हारा क्या जाएगा, ई कट जाएगा, तुमको मास निकल जाएगा। और देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट करके नहीं आता, मतलब आपको ये दे देता है, आप सोचेगे एक साइंटिस्ट आएगा रिजल्ट दे देगा और निकल लेगा, ऐसा नहीं है। थॉमसन ने वो दे दिया, अब एक और साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम है क्या, मिलिकन। क्या नाम है भाई? एक्सपेरिमेंट क्या था, क्या था, वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, क्या था, वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया था, एक वाइल का मतलब कुछ ऐसा, वाइल का स्प्रे लेकर ये किए थे, ठीक है, इसके बारे में तुम पढ़ना, वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है ना मिलिकन का, ये आप पढ़ना और कल नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना, ठीक है। तो ये बताना ये मिलिकन का जो है ना वाइल्ड ड्रॉप, अरे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे यार, 5-7 मिनट ही एक्सटेंड करेंगे, ऐसा मत सोचो कि बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर देंगे, 5-7 मिनट, ठीक है। तो रुक जाओ यार, रुक जाओ। देखो आर ए मिलिकन जो है ना, इन्होंने एक क्या किया, एक वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, और उससे इन्होंने क्या फाइंड किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये पता कर लिया।
ये आपका एनसीईआरटी का ही है स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये आप बुक पढ़ोगे सेम एज इट इज मिल जाएगा। तो आर ए मिलिकन जो थे ये इन्होंने क्या किया, एक वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और उससे क्या फाइंड किया इन्होंने, अरे क्या फाइंड किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन का इन्होंने चार्ज क्या पता किया, वही जो हमने ऊपर लिखा था 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और चूंकि थॉमसन ने क्या बताया था, E/M रेशियो किसने बताया था, ये थॉमसन ने दिया था ना सर। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने दिया, मिलिकन ने दिया, आर ए मिलिकन। तो ये दोनों को डिवाइड करोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कि नहीं, यस सर। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो गया कि नहीं भाई, मिलिकन ने क्या कर दिया, चार्ज बता ही दिया, थॉमसन ने E/M रेशियो बता ही दिया था, दोनों को डिवाइड कर दिए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल गया। अरे बोलो, किसी को नहीं समझ आया तो, किसी को नहीं समझ सर, मास की डिस्कवरी मिलिकन ने की है, चार्ज की, अच्छा सर, चार्ज की डिस्कवरी की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, ओके सर। और मास देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग द रिजल्ट विद थॉमसन वैल्यू। जो थॉमसन का जो वैल्यू आया था ना, उसके वैल्यू से तुम क्या करोगे, रेशियो ले लोगे तो आ जाएगा। अरे बोलो, मास निकल गया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है, अच्छा देखो, थॉमसन ने तुम्हारा क्या दिया, इलेक्ट्रॉन पता कर लिया, और थॉमसन से कितने पहले ही तुम्हारा किसका खोज हो गया था, प्रोटॉन का हो गया था ना, प्रोटॉन का। तो यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, प्रोटॉन पहले से है तो, और एटम तो उसे भी पहले से पता है, तो अब थॉमसन एक मॉडल देंगे, क्या मॉडल देंगे, ये एक मॉडल देंगे इलेक्ट्रॉन का मॉडल। अब इनका मॉडल क्या है समझना, अब देखो एक एटम है, एटम में क्या क्या पता चल गया, एक प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं, एटम में दो लोग, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरकार एटम, देखो एटम स्फीयर का शेप का होता है ना, यस सर, इसमें किस तरह से ये लोग हैं आपस में, इनका अरेंजमेंट बताओ, कंबाइन बोलते हैं कि ये तरबूज की तरह है, Yes, इन्होंने एक क्या दिया था, प्लम पोडिंग मॉडल दिया था, क्या बोला था कि एक तरबूज को तुम ले लो, ठीक है, और उसमें जो तुम खाते हो ना लाल वाला, yes, sir. वो प्रोटॉन, वो सारे प्रोटॉन है, मतलब ये पूरा क्या है, प्रोटॉन का बना हुआ है, ये yes, तरबूज sir. ये मतलब जो तरबूज जो है वो पूरा प्रोटॉन है, और जो उसमें बीज जो होते हैं ना, जो यूनिफॉर्म वही होगा ना, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो थॉमसन ने क्या बोला, तरबूज तुम्हारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, उसका बीज, यानी इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज भी, हाँ इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज माइनस ही होता है ना, यस सर, इन्होंने भी वही दिया था, हाँ हाँ, अरे इलेक्ट्रॉन पे तो थॉमसन नहीं खोजा था, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी तो थॉमसन नहीं किया था, ठीक है, तो यही देंगे ना माइनस क्या बढ़े। चलो अब ये बताओ, थॉमसन ने एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया है जिसमें क्या बोला, उन्होंने बोला कि एक तरबूज की तरह तुम क्या मानो, एक स्फीयर मानो, और वो सारा क्या है, प्रोटॉन है, और उसमें कहीं कहीं क्या है, कहीं कहीं क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्या है, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन, आ रहा है समझ में, यस सर, यस सर। अब ये देखो, अब ये देखो यहाँ पे भी वही चीज है कि भाई कहीं प्रोटॉन है और कहीं कहीं, कहीं कहीं क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। Atom as a ball of positive charge containing number of electrons. और plum pudding का देखो यहाँ पे, ये देखो ये सब क्या है, ये प्रोटॉन है और ये जो बीच में लाल वाला है क्या है, इलेक्ट्रॉन है। प्लम पुडिंग समझते हो क्या होता है, ये केक नहीं होता है, एक मान लो केक है, कहीं कहीं क्या हो, काजू, ये नट्स नहीं होते, काजू मतलब एक जिसमें कहीं कहीं क्या है, अरे रुक जाओ, म्यूट करो अपने आप को, जिसमें चेरी वगैरह होती है, हाँ जो चेरी वगैरह होता है ना वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जो चेरी वगैरह है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल रहा, ठीक है,
लेकिन ये देखो ये है बड़ा ये मतलब बकवास थ्योरी, क्योंकि तुम एक बच्चा भी सोच सकता है कि भाई ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों आपस में तो मिल जाएंगे और आपस में मिले अरे तो ये फिर तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी नहीं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव के साथ अगर मिल जाएगा तो वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा न्यूट्रॉन हो जाएगा वो न्यूट्रॉन हो जाएगा तो जैसे ही वो डिस्ट्रॉय होगा तो फिर एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर कंपाउंड नहीं होगा कंपाउंड नहीं होगा तो फिर दुनिया नहीं होगा यस सर यस सर तो इनका तो मॉडल पूरा फेल हो गया ना कैसे फेल हो गया ये बोल रहे थे कि प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है दोनों साथ में है भाई दोनों साथ में रहेंगे तो ये तो आपस में मिल जाएंगे बाकी सारे इनके पास हो गए थे ठीक है तो इनका जो थ्योरी फेल हो गया ना अब इसका जो फेल हुआ इसके आगे आएंगे रदरफोर्ड रदरफोर्ड और ये इनके थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे बताओ ये आज पढ़ाए या फिर आज के लिए रहने अरे कितने बच्चे रहने दो हैंड डिस्क करो जो बोलते हैं रहने दो वो हैंड डिस्क करो भाई साहब मैक्सिमम बच्चे बोल रहे रहने दो बोर हो गए क्या अरे अरे बोर हो गए क्या नहीं सर बोर नहीं तो फिर क्या हो गया सर क्लास लंबी हो गई है क्लास लंबी हो गई ठीक है अभी समझ नहीं आ रहा है अभी पढ़ा दो अच्छा क्या अभी अभी समझ भी आ रहा है फिर क्या आपको समझ में आ रहा है बाकी बच्चे कह रहे हैं रहने दो रहने दो कैसे होगा फिर ठीक है फिर क्या किया जाए यार अगली क्लास से ऐसे करने है ना अटेंडेंस की बात मिलेंगे यस सर हाँ अटेंडेंस बाद मिलेंगे क्योंकि अटेंडेंस तो अपने आते हैं भाई तुम जाओगे तो तुम्हारा अटेंडेंस जाएगा तुम समझा यहाँ पे तो तुम यार ये कर रहे हो ना तो थोड़ा बहुत देखो हम रदरफोर्ड का भी बता दे रहे हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया हुआ था चलो वो उतना सही भी नहीं लगेगा नेक्स्ट क्लास में ही इसको डिस्कस करेंगे ठीक है तो पढ़ के आना पढ़ के आना ठीक है इसको थोड़ा पढ़ के आना रदरफोर्ड के बारे में ठीक है और इसको पढ़ के आना फिर इसको मतलब और फिर देखो कभी भी डिस्कवरी ये पढ़ना ना तो ऐसे सोचना मतलब ये मत सोचना कि तुमको पहले से पता है रिजल्ट पता रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा तुम अपने आप को उसी टाइम में ले जाना मतलब तुम मान के चलना कि नहीं नहीं उस समय लोगों को पता नहीं है तुम भी मतलब उसी टाइम में हो उसी टाइम फ्रेम में हो या तुम्हें ही पता नहीं है कि हाँ ये है वो और तुम मान लो तुम जैसे पहले ही तुमको पता चलेगा कि अच्छा अच्छा ये तो इलेक्ट्रॉन है जैसे मैं फिर तो तुमको मतलब कोई मतलब ही नहीं तुमको रिजल्ट ही पता है तो मजा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा इंटरेस्टिंग तब लगेगा ना जब आप सोचना कि आपको कुछ नहीं पता आप भी उसी टाइम पे ठीक है ठीक है रिकॉर्डिंग आज की ऑफ कर देते हैं और नेक्स्ट क्लास में अटेंडेंस बाद में होगा यार मामला गड़बड़ हो जाएगा इस तरह सर आप नोट्स आज ही भेज देंगे हाँ मैं भेज दे रहा हूँ सर पहले वाले में बता देना क्या बता देना है पिछली क्लासेस का अटेंडेंस आप पिछली क्लास के अटेंडेंस